हम लोग को काफ़ी लोग बोलते थे कि पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा भी कर लो, उसका आगे कंपनी मिलेगी, लेकिन इसकी हरकतें देख के ऐसा लगता है शानिस दूसरा बेबी आया तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। खतरा स्कूल में जब सुबह सुबह उठ के मैं जिम गया था, चलने में बहुत तकलीफ हुई। इनफैक्ट अभी वर्कआउट करने तक मेरे को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। आई थिंक वैभव ने मुझे बोला था कि एज यू विल वार्म अप योर मसल ना, वो ठीक होगा। एंड बिकॉज यहाँ पर पिंस डाले थे तो मसल बहुत ऐसा पेन कर रहा है, बट आई थिंक वो दो दिन में ठीक हो जाएगा। बट स्टिल अपन ने हार नहीं मानी। ऑल दो आज मेरा बिल्कुल भी वर्कआउट करने का मन नहीं था, लेकिन इट्स सम क्रेजी आर्म वर्कआउट करने गया था लेग, लेकिन आई रियलाइज कि ये सब पट्टी बनती है और इसके वजह से ना मैं काफ़ी लेग वर्कआउट कर ही नहीं सकता, तो आधा करके क्या मतलब। इससे अच्छा मैंने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मार दिया। ऑल दो जो मैंने एम किया था कि 2024 के जनवरी तक करूँगा वो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कर दिया था, लेकिन मैंने अभी अपने मन के अंदर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन बोला है कि जब तक मेरी राइड शुरू नहीं होती तब तक जितना हो सके उतना अपना अपने आप को 100% पुश कर देंगे, क्योंकि राइड जब होगी तो काफ़ी लंबी होगी जिसमें शायद मुझे इस तरह का वर्कआउट करने को ना मिले। हाँ, आपने देखा कि अभी जब मैं यूएस में गया था रोड ट्रिप कर रहा था तो जिम है वहाँ पर, तब एटलीस्ट मसल पम्प हो जाएगा, लेकिन जो हार्डकोर ट्रेनिंग यहाँ होती है जो रेस्ट मिलता है वो राइडिंग में नहीं मिलने वाला। राइडिंग में काफ़ी डिफिकल्टीज होने वाली है, इसलिए मैं और हैप्पी भाई दोनों भी जो है अपना 100% ट्रेन कर रहे हैं फिलहाल अभी मुंबई में, इंडिया में। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था ना, आई वाज शॉक टू सी कि लास्ट व्लॉग लाइव होने के बाद कितने सारे लोगों को और कितने सारे लोगों के पेरेंट्स को वो सेम प्रॉब्लम है, वो सेम पेन है जो कि मुझे मेरे पैरों में होता है। अभी मैं कमेंट वही पढ़ रहा हूँ, लोगों ने कितने सारे देसी नुस्खे जो है बताए हैं, जो अच्छी बात है, थैंक यू। वैसे तो मेरा फर्स्ट सीटिंग के बाद ही मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, ऑल दो जब तक वो मसल थोड़ा रिकवर नहीं होता तब तक मैं क्लियरली नहीं बोल सकता, बट मुझे ऐसा लग रहा है एक महीने में मेरा फाइनली ठीक हो जाएगा। एंड मिस्टेक एज आई सेड, मुझे पहले ही जाके इसको ठीक करा लेना चाहिए था। तो इसने भी लिखा है, निखिल भाई प्लीज़ टेक सीरियस केयर ऑफ योर लेग, आई गॉट द सेम प्रॉब्लम, हैड टू बी ऑपरेटेड। एक्चुअली मुझे वैभव ने भी बोला था अगर मैं इस चीज़ का ध्यान नहीं दूंगा ना तो मेरे पैर को भी ऑपरेट, मतलब वो बेसिकली वो हड्डी जो है वो ऑपरेट करके निकाल लेते हैं, मतलब पैर वैर काटना नहीं पड़ता है, बट ठीक है, बट ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है ना। बहुत सारे लोगों ने वो फिजियो का डिटेल मांगा है, मुझे लगा आपको ऑलरेडी पता है बिकॉज मैंने पहले बहुत बार बताया, बट स्टिल मुंबई से हो अगर तो आपके लिए बेटर होगा, रिप्ले फिजियो जुहू, तो जुहू में है ये, एंड नाइस प्लेस टू गो अगर आपको लगता है कुछ आपके मसल में प्रॉब्लम है। वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छे से आपने देखा होगा कैसे ध्यान रखा है। एंड येस, मेरा शोल्डर इंजरी कम्प्लीटली ठीक हो गया है। और देखो, फिजियो आपको कुछ चीज़ें करने बोलता है, कुछ एक्सरसाइज करने बोलता है, ऐसा नहीं कि आप जाओ वो दवाई देगा ठीक हो जाए, ऐसे नहीं होता है। यू नीड टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर व्हाट फिजियो आस्क यू टू डू, वो नहीं करोगे तो फिर चीज़ों को टाइम लगेगा या कभी कभी ख़राब भी होती है। शोल्डर का बहुत ही सीरियस था लेकिन मैं इतना डेडिकेट हो गया था ना उसको ठीक करने के लिए, तो हो गया। अभी पैर का, मैंने पैर का काफ़ी लाइटली लिया, आपको समझ लगा ठीक है नॉर्मल है, उसको लाइटली नहीं लेता तो अभी तक वो कब का ठीक हो जाता और मैं भागता रहता। और क्योंकि अभी जो बाकी का मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है वो डाइट के साथ साथ अगर थोड़ा दौड़ूंगा ना तो और फास्ट ड्रॉप होगा, बिकॉज मुझे एकदम चिजल्ड चाहिए। एक्चुअली हम लोग को एक मूवी देखने जानी थी, अरे अरे धीरे पैर पे बैठ जाता शानिस, आई स्वेयर थोड़ा तो साइड हट, ध्यान ही नहीं गया मेरा, ऐसे बैठने गया कैमरे को देखते देखते। तो हम लोग सोचे थे कौन सी मूवी देखने जानी है, तो हमको लगा कोई मूवी अच्छी लगी नहीं, लेकिन फिर देखा आर्टिकल 370 लगी है ना, तो भी हम लोग आर्टिकल 370 नहीं जा रहे हैं। मैं तो मूवी का ट्रेलर भी नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं कौन सी मूवी आ रही है थिएटर में, बस एक ही जन को पता होता है कि कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है, कौन सी मूवी एक साल 10 साल के अंदर, सब निखिल को पता है। तो अच्छी बात है कि हम लोग इस बार अंधेरी है मलाड नहीं जा रहे, बाजू में जा रहे आरसीटी, एंड मेरी तरह और एक मूवी बफ है वो है हमारे हैप्पी भाई, तो हैप्पी भाई भी आ रहे हैं। लेकिन नो, आई डोंट थिंक एनीवन इज एज मच एज अ बॉलीवुड मूवी फैन एज यू। नहीं, मूवी फैन, नॉट जस्ट बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड, साउथ, टॉलीवुड, नॉर्थ, पंजाबी मूवी, गुजराती बताता नहीं, लेकिन मैं उसमें जो हिंदी सब टाइटल है वो मैं कोरियन वोरियन नहीं देखता, लेकिन मैं देसी अपना सारा देखता हूँ, स्पेशली हॉरर मूवी। हॉरर मूवी के बारे में सब पता है, दिल से दुआ करती हूँ प्लीज भगवान मेरे पति को इसके जीते जी एक रोल दिला देना, कहीं ना कहीं अच्छा ऐसा रोल मूवी में। मैं रोल लेने के लिए, रोल लेने के लिए नहीं देखता, पर दिला दो मेरे पति, इतना फिल्मी कीड़ा जो अंदर है थोड़ा तो बाहर आए। मुझे रैंप वॉक करना है, अभी एक्टिंग नहीं करनी है। आई नो, रैंप वॉक तो तू कर सकता है आराम से, नाउ यू बिकम वेरी हॉट सेक्सी फिट, बट द रियल डील इज इन द एक्टिंग। कोशिश करूँ, ट्राई करूँ क्या मैं? इतने कॉन्टैक्ट्स है तेरे को, मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट्स है लेकिन अभी वो यूज करने को अच्छा नहीं लगता यार, कॉन्टैक्ट्स पता नहीं थोड़ा शर्म शर्म फील होती है। थोड़ा सा कास्टिंग काउच करो, मिल जाए कास्टिंग काउच। अभी अभी कास्टिंग काउच वाला आगे शैतान, इसने पता क्या किया, अभी टीवी का रिमोट लिया और पानी के ग्लास में डाल दिया। बट
Now what do you eat and came show show your mouth? क्या खाया बेटा? It just smells so much like perfume. कल भी वैसे ही स्मेल कर रही थी तेल जैसा कुछ तो. Sky, hey, don't do that. Sky, you look dad's camera. See dad's camera. Smile here. Smile. Say hi. Nose. अभी कुछ नहीं बोलेगी. वो कैमरे को देखती ना कुछ नहीं बोलती है. वो छुपा के छूटते हैं. यू नो हम लोग को काफ़ी लोग बोलते थे कि यू नो पहला बच्चा हो गया दूसरा बच्चा भी कर लो उसका वो कंपनी मिलेगी. लेकिन इसकी हरकतें देख के ऐसा लगता है शानिस दूसरा बेबी आया तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा. खतरा स्कूल में सबको धक्का देती है. कल शानिस बोल रही थी कल स्काई को वैक्सीनेशन कराने गई थी तो एक 8 or 9 months की बच्ची 11 months की बच्ची आई. शानिस को ऐसे पैर में टच करी उसको स्काई के साथ खेलना था. स्काई ने क्या किया शानिस उसने उसका हाथ ऐसे हटाया मेरे पैर से उसको ऐसे कर दिया. नो ऐसा है उसको ऑब्सेशन है मॉम से. तो अगर कभी दूसरे बेबी फ्यूचर में होता भी है पर वो स्कूल में मारती नहीं है किसी को. क्या है ना कि स्कूल में एक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टॉयज रहते हैं तो क्या होता है स्काई को जो टॉय चाहिए दूसरे बच्चे को भी वही टॉय चाहिए तो एक दूसरे को धक्का मारते. ऐसा नहीं कि सिर्फ स्काई मारती दूसरे बच्चे भी मारते. आई थिंक इट्स प्रीटी नॉर्मल एवरीवन हैज डन इट. लाइक कभी कभी दूध पीने के बहाने वो साइड में जाती है क्योंकि उसको पता अगर मैं अपने मॉम डैड के सामने दूध गिराऊंगी तो वो भड़केंगे तो कोने में जाके पूरा दूध गिरा देती है. हम लोग ऐसे पीके जाती है और फिर खाने का ऐसा है कि वो खाना पहले ज़मीन पे गिराएगी जो कि बहुत गलत चीज़ है. हम उसको सिखा रहे हैं खाना नहीं फेंकने का लेकिन फिर वही खाना खाती है वो. उसको क्या मज़ा आती है मुझे पता नहीं. कुछ भी दो उसको पहले वो बोले कि तुम टेस्ट करो. हाँ, फिर ही ये मैंने सब बच्चों में देखा नहीं बट करते काफ़ी बच्चे आप लोगों ने कमेंट किया. द रियलिटी इज कि सिर्फ स्काई धक्का नहीं देती है सब उसको भी धक्का देते हैं. एंड द थिंग इज दैट किड्स ऐसा करते हैं सबको एट द सेम टाइम सेम टॉय ही चाहिए. नहीं टॉय का तो वो चल हो गया लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बिल्डिंग में पहले जाती थी वो तो थोड़े बड़े बच्चे उसको धक्का देते थे. एंड आई रियलाइज कि जो कुछ कार्टून देते हैं उसमें भाई बहन तो धक्का देते हैं. सो फ्रॉम दैट स्टार्ट बट स्टिल रात को जो सोने के टाइम वो डेंजर हरकत करती है जो भाग के कूदती है ऐसे मुंह पे ऐसा मारती है रेसलिंग तो दिखाता नहीं मैं उसको. ये कहाँ से करती है ऐसे ऐसे खड़ी होगी ऐसे गिरती है. चीज़ें तो तूने सिखाया उसको तू कराता है उसको तो वो करती है अभी. एंड कैसा ना कि हम लोगों को लगा था ये टाइम तक कि स्कायू को हम लोग उल्लू बना के चीज़ें कराते हैं बट रियलिटी में अभी मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि बच्चे एक्चुअली एज में अपने माँ बाप को सीखते हैं माँ बाप का पैटर्न लर्न करते हैं और हमको ही बना रहे होते हैं वो एक्चुअली. ये बहुत सही बात बोली है इसने. बच्चे हमको बना रहे होते हैं सब समझते हैं वो एग्जैक्टली सब समझते हैं. लाइक निकिता ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि जब वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी ना तो उसने बोला कि फर्स्ट टाइम जब मैं पहले साल में जब गई स्कूल में तो मैंने सोचा मैं बहुत अच्छी टीचर बनूंगी सब बच्चों के साथ इतना प्यारा रहूंगी सब पीपल स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारी टीचर कितनी अच्छी वी कैन शेयर एनीथिंग विद हर. बोलता है एक हफ्ते के अंदर वो लोग ना चुप बैठते थे ना ही अटेंशन पे करते थे वो लोग मुझे रुलाते थे. बोलते अगले साल से मैं ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर बनी सब लाइन पे आ गए थे. हाँ, अच्छी टीचर को तो सब नचाते हैं. पीगी ऐसे नहीं पीगी. अच्छा पी रही है क्या मजा आ रहा है तेरे को? यू हैव टू ड्रिंक लाइक दिस वन. नो ट्राई बोलती नहीं वैसा नहीं पीऊंगी मुझे मजा नहीं आता. इसका एक्चुअली आज हमने स्कूल नहीं भेजा बिकॉज कल वैक्सीनेशन दिया था तो डॉक्टर ने बोला था स्कूल मत भेजना. और डॉक्टर ने और एक चीज़ बोली थी कि इसको बहुत ज़्यादा नींद आने वाली है. कल रात को जो नींद आई ऐसा एनर्जेटिक थी कि पूछो मत कैसा कैसा करके सुलाया. लेकिन हाँ बाद में सोई बहुत बढ़िया. और आज स्कूल नहीं भेजा सोचा कि शायद बुखार उखार है कुछ भी लेजीनेस हो सकता है. ये तो फुल ऑन चार्ज है लेकिन अभी इसका सोने का टाइम है. सो जा बेटा. भाई साहब मैंने गाड़ी यहाँ पर धूप में खड़ी की थी जैसे ही बैठा तो अंदर आग बबूला हो गई है. मेरी स्टेयरिंग भी इतनी गर्म हो गई है ना कि पूछो मत. और बोलने के लिए कितना है 36 degrees बट दिस इज स्टीम रूम. मैं अभी ऊपर पार्क करूंगा ही नहीं मैं नीचे ही पार्क करूंगा. हमारी एक्चुअली नीचे पार्किंग है बट अलसीगिरी की वजह से ऊपर पार्क करता हूँ मैं. और मैंने अपने बैग में ना एक डाइट कोक का कैन रख लिया है. आई डोंट नो पता चले तो पता चले. मैं बोलूंगा ऊप्स गलती से रह गया मेरे बैग में. ठंडा कैसे है? नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है. आई मीन डाइट कोक का क्या है? दो ज्यादा हो जाएगा. हैप्पी भी तो पिएगा. दो ले लो. चल तू बोलती दो लेता हूँ. पकड़ेगा तो पकड़ेगा. क्या फर्क पड़ता है पकड़ेगा तो? देखो भाई 70-80 रुपए ज्यादा ज्यादा क्या पड़ेगा. निकालो सर. ओके निकाल लेता हूँ. सॉरी कहीं निकाल. गेट थ्रू देन. तो हैप्पी भाई ने कुछ नया स्टाइल निकाला है दो घड़ियों का क्योंकि हैप्पी भाई के बोलने पे मैंने गार्मिन लिया था हैप्पी और डीजे भाई और अभी इन्होंने मेरे बोलने पे अल्ट्रा लिया. बोलते हैं I'm still getting used to it. बोलते हैं गार्मिन अच्छा है स्पोर्ट्स वॉच है. जितना डिटेल देता है ना फिटनेस का ये नहीं नहीं, नहीं देता है देता. तो आपसे सीख लेता हूं मैं. सीख लूंगा भाई आपसे. उसमें क्या दारू लेके नहीं जा रहे अपन डाइट कोक लेके जा रहे हैं. क्या लगता है पकड़ लेंगे वो लोग? साइड में डाला है
पकड़ लेंगे। ये कहाँ से आया, शायद इसको डाला तूने। तो हमारी मूवी है 6:15 की, 6:25 की, हमारे पास काफ़ी टाइम है। हम लोग वॉक करेंगे मॉल में, वॉक। और यहाँ पर आके हमारी हरकत चालू है। और हैप्पी भाई बोल रहे हैं कानेट लेके आ गए इधर। बस बाइक आने वाली है, यहाँ से दुबई जाएंगे। गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट फोटोशॉप्ड, वी हैव बीन टू लंदन। देखो गाइस, नंबर प्लेट देख सकते हो आप। हाँ, क्वीन आने वाली है। बस हमारी थोड़ी हाइट बढ़ गई है, ये बस छोटी हो गई है। भाई फोटो में तो बस बड़ी लगती थी, ये रियलिटी में छोटी कहाँ लगती है। और ये हमने हॉट चॉकलेट ले ली तीन लोगों में शेयर करने के लिए, बहुत ही अच्छी मिंटी हॉट चॉकलेट है। और ये रहा थिएटर, ये लेके तो जाने नहीं देंगे, देखते हैं हमारा स्नीक इन वाला काम करते हैं कि नहीं। यू वांट एनीथिंग टू ईट? या आई लाइक पेप्सी। डाइट कोक, डाइट कोक मिल जाएगा फ्री में। वेंडर है अंदर, पहचान वाला वेंडर है अंदर। स्विगी स्विगी करेंगे, स्विगी से अंदर लेके आएगा, डोंट वरी अबाउट। देखो सिर्फ मस्ती करने के लिए हम लोग लेके आए, 50-100 रुपए बचा के कुछ मिलने वाला है नहीं, 1,500 रुपए की तो सिर्फ टिकट ही है। हम लोग जा रहे हैं इंसिग्निया फुल प्रीमियम। एक्चुअली सीन क्या था कि हैप्पी भाई को चाहिए था 5:30 के बाद, और एक 5 बजे का शो था और एक था 7:30 का, जो कि नॉर्मल बड़ा थिएटर था। बाकी ये इंसिग्निया वाला छोटा बहुत लग्जरी थिएटर था। नहीं, वो बड़े थिएटर में कभी कभी जो डायलॉग आता ना, वो चिल्लाती पब्लिक, वो सारा इंडिया में एक्सपीरियंस होता है या फिर मार्वल का मूवी बाहर। ये देखो अपनी ऐसी सीटिंग है, अपन यहाँ बैठे हैं। एंड भाई क्या मूवी है ना, अभी इंटरवल हुआ, इट्स वेरी ऑन पॉइंट मूवी है, ऑन पॉइंट, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही अच्छी मूवी लगी। मतलब मेरे लिए वो मूवी बहुत अच्छी होती है जब इंटरवल हुआ, समझ में नहीं आया कि इंटरवल हो गया। आई थिंक दैट फॉर मी इज अ गुड मूवी। इट वाज एनीवेज क्वाइट फास्ट आल्सो, 1 hour 15 minutes में इंटरवल हो गया, पिक्चर खत्म। एंड आई तो लव्ड इट, द एंडिंग पार्ट वाज वेरी वेल एडिटेड। क्या बोलते हो भाई, आई थिंक वो थोड़ा मोदी जी के सीन थोड़े कम किए, वरना मोदी जी हीरो बन जाते, जो कि है वो हीरो तो है भाई।